माँ से कहा सुनी होने पर 19 वर्षीय लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। संपूर्ण भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। हर तरफ छा रही खुशियां, लेकिन खुशियों के दौर में एक परिवार में अचानक छा गया सन्नाटा। संभल के थाना बनियाखेड़ा क्षेत्र के करोली में 19 वर्षीय बेटी शोभा पुत्री विशनलाल चंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शोभा बीए सेकंड ईयर की छात्रा थी तथा गरीब परिवार को चलाने के लिए एंकर स्टोन पब्लिक मीडियम स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। दिवाली खुशियों के चलते दो दिन पहले ही कुछ महंगे झालर व पटाखे खरीद कर लाने पर गरीब माँ ने बेटी को डांट दिया और माँ बेटी के बीच कहासुनी हो गई, जिसकी वजह से मानसिक तनाव के चलते बेटी ने अपने आप को घर के अंदर कमरे में बंद कर छत के कुंदे में धोती फंसा कर फांसी लगा ली। शोभा की माँ ने घर के अंदर से दरवाजा लगा देखा तो घबरा गई। चीख पुकार मचने पर घर का दरवाजा तोड़कर दिखा गया तो लड़की फांसी के फंदे पे झूल रही थी। पुलिस के आने पर पहले पति काट कर मृतका को नीचे उतार लिया। सूचना मिलने पर पुलिस सदन तहसील चंदोसी के क्षेत्र अधिकारी मोहम्मद अकील अहमद तथा थाना बनियाखेड़ा अध्यक्ष प्रवीण कुमार सोलंकी मौके पर पहुंचे और मामले का निरीक्षण कर मृतका को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच में जुटी है। ये 5 सेकंड पड़ने, ये भी ऊपर जीना, ये भी बंद था, ये अंदर से बंद था। हटना भाई, हट रहे, ये कुंडी जो है, अरे हट जा भाई, हट जा। सर क्या मामला है? ये गांव अकरौली थाना बनियाखेड़ा क्षेत्र में एक लड़की ने, ये लड़की डेड बॉडी मिली है और शोभा नाम है उसका, लगभग 18 साल की आयु है जी। और डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। पीएम की रिपोर्ट आने के बाद में या कोई ये लोग कार्रवाई चाहे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।